53 on 1st February Sinha and Company of Calcutta consigned 150 cases of goods to Mitra and Company of Delhi. So in the book of Sinha and Company ho gaya, consignment account to Mitra and Company Delhi ho gaya. To goods sent on consignment 150 cases aur aage likh raha hai the goods were charged at a performa invoice value 15,000 तो हम लोग टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 15,000 लिखेंगे क्योंकि ये इन्फ्लेटेड का सवाल है इसलिए बहुत बढ़िया से अंडरलाइन करो इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस को और भी आप अंडरलाइन कर देना इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो सामान भेजा जा रहा है 15,000 का उसमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर ऑन कॉस्ट 25% तो 25/125 करेंगे ऑन द सेम डे सिन्हा एंड कंपनी कौन है कंसाइनर कितना पेड कर रहा है 800 फॉर डिलीवरी चार्जेज एंड इंश्योरेंस तो टू बैंक अकाउंट लिख के काम खत्म हो गया तो पहले यहां तक कर लेते हैं ना फिर आगे बढ़ते हैं इन द बुक ऑफ सिन्हा एंड कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट टू Mitra and Company of Delhi. Debit, credit. एक एक लाइन पढ़ते जाओ बनाते जाओ इसमें तो यही सबसे आसान है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना केसेस 150 केसेस अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,000 क्योंकि ये इन्फ्लेटेड वाला सम्स है इसलिए हम लोग को प्रोपोर्शनेट अनलोड करना पड़ेगा बाय goods sent on consignment unload करेंगे क्या करेंगे unload कैसे होगा सो देखिए ये 15,000 अमाउंट लिखिएगा वहां पर दिया हुआ है कितना परसेंट दिया हुआ है 25% बट ऑन कॉस्ट प्राइस तो 25/125 कितना हो गया 3,000 और फिर ऑन द सेम डे सिन्हा एंड कंपनी ने 800 पेड किया है बैंक अकाउंट बट एक्सपेंस है क्या है तो डिलीवरी चार्जेज एंड इंश्योरेंस कुछ भी लिख दीजिए इंश्योरेंस लिख दीजिए कितना खर्च किया है 800 देखिए कंसाइनर का काम खत्म हो गया जरा ध्यान से वापस एक बार देख लेना समझ लेना इन द बुक ऑफ सिन्हा कंसाइनमेंट अकाउंट टू मित्रा एंड कंपनी टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 15,000 बट ध्यान रखना इसमें इस बार अनलोड का सवाल बना रहे हैं लोड अनलोड अनलोड करेंगे क्योंकि ये 15,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस तो 25/125 इसके पहले इनवॉइस था यहां पर क्या है कॉस्ट है इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर 800 खर्च आगे देखिए क्या बोल रहा है On 1st July, Mitra and Company paid railway freight 1200 and godown rent 500. तो यहां पर Mitra and Company कौन है कंसाइनी तो Mitra and Company का भी एक्सपेंस दे रहा है लिख दीजिए क्या क्या कर रहा है रेलवे फ्रेट और गोडाउन का रेंट का एक नाम और भी है वेयर हाउसिंग चार्जेज भी अगर बोलता तो गोडाउन रेंट होता तो मित्रा एंड कंपनी लिख के उसके खर्च को भी लिख दिए देखिए आगे क्या लाइन बोला है अंडरलाइन करना
सेंट टू सिन्हा एंड कंपनी 6000 एज एडवांस, 6000 एडवांस भेज रहे हैं। ये तो जब हम लोग कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो वहां जाएगा। ऑन 1 सितंबर दे सोल्ड 120 केसेस फॉर रुपीज 9800, 120 केसेस बेच दिया। तो इधर में हम लोग फिर से लिखेंगे, क्या कौन बेचा? मित्रा एंड कंपनी ने बेचा, क्योंकि वही तो कंसाइनी है। कितना बेचा? सोल्ड 120 केसेस, और 120 केसेस 9800 में बेच दिया। आगे देखिए क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है एंड सेंट अ रिमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू टू सिन्हा एंड कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल। 5% कमीशन देना है, किसको देंगे? मित्रा एंड कंपनी को 5% कमीशन देंगे। कंसाइनी है, 5% कमीशन किसके ऊपर देंगे? यानी 9800 के ऊपर। तो 9800 का कितना परसेंट? 5%, कितना आएगा? 490। खत्म? अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों? सारा का सारा अगर बेच देता ना तो खत्म हो जाता। यहां पर देखिए 150 केसेस है, बेचा है 120, तो आ गया अनसोल्ड स्टॉक। कितना है अनसोल्ड स्टॉक? 150 माइनस 120, 30 केसेस रह गया है। तो 30 केसेस का अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा। चलो यहां देखो कैसे वैल्यूएशन करते हैं। कॉस्ट हम लोग पूरा लेते हैं, कितना लेंगे बोलिए? बट ये 15,000 तो इन्फ्लेटेड है। 15 में से अगर 3 माइनस करके 12,000 लेते तो आपको स्टॉक रिजर्व नहीं करना पड़ता, बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेटेड के सम्स में हम लोग को पूरा कॉस्ट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल तो 15,000 का बना है। तो 15,000 इसके साथ क्या करते हैं हम लोग? कंसाइनर का एक्सपेंस लेते हैं। क्या पूरा लेंगे? क्योंकि फुल लिया जाता है, बट कंसाइनी का, कंसाइनी का हम लोग पूरा नहीं लेते हैं। कंसाइनी में रेकरिंग नॉन रेकरिंग का बात है। यहां पर देखो खर्च रेलवे तो आएगा, बट गोडाउन रेंट नहीं आएगा। फिर यहां पर हम वापस रिपीट करेंगे, 3 खर्चे को नहीं लिया जाता है। कौन कौन सा? गोडाउन रेंट, जिसको वेयर हाउसिंग भी बोलते हैं, सेलिंग और मिसलेनियस या अदर्स। तो हम इधर में सिर्फ 1200 को लेकर जाएंगे, यानी टोटल कितना हो गया? अगर यहां नॉर्मल एबनॉर्मल का बात रहता तो करते 17,000 टोटल 150 केसेस का दाम। तो 30 केसेस का दाम कितना? 3,400 आ गया, और यहां पर हम लोग लिख दिए। बट जब भी इन्फ्लेटेड आता है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स का गलती क्यों हो जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो स्टॉक रिजर्व, यानी जब भी इन्फ्लेटेड का सम्स रहेगा, इधर में अगर आप इन्फ्लेटेड रहेगा, इधर आपने अनलोड किया किया ना, अगर मान लीजिए लॉस्ट इन ट्रांजिट रहता, इसको भी समझ लीजिए, अगर इसमें लॉस्ट इन ट्रांजिट रहता यानी अबनॉर्मल लॉस, तब भी तो आप यही कॉस्ट लेते ना, तब आपको प्रपोर्शनेट इधर में अनलोड करना पड़ता। बट लॉस्ट इन ट्रांजिट में हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो लॉस्ट इन ट्रांजिट में हम लोग इन्फ्लेटेड नहीं लेके एक्चुअल लेंगे। क्यों लेते हैं एक्चुअल? यहां पर भी थोड़ा समझ लीजिए, इंश्योरेंस क्लेम पढ़े हैं ना हम लोग, तो क्लेम मांग रहे हैं किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो सारा कुछ क्या लेंगे? एक्चुअल लेंगे। यानी वहां पर अगर आप 15,000 माइनस 3,000 12,000 लेते तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 लेके आप बना सकते हैं। बट यहां पर हम 12 नहीं ले सकते हैं, अनसोल्ड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में रिकॉर्ड हो रहा है और वो तो क्लेम मांगा जा रहा है। एक जगह खाली आप रिलैक्स ले सकते हैं। जब आप इधर में अनसोल्ड स्टॉक में तो हम लोग पूरा ही लेते हैं, बट अगर एबनॉर्मल, जिसको आप लॉस्ट इन ट्रांजिट कहते हैं, वहां पर आप अगर 12,000 लेके बनाइएगा तो इधर में आपको अनलोड करने का दरकार नहीं है, लेकिन अगर 15,000 लेके बनाइएगा तो प्रपोर्शनेट अनलोड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए हम लोग स्टॉक रिजर्व करेंगे, क्यों करेंगे स्टॉक रिजर्व? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर 15,000 लिया है,
अब देखो 3000 हम लोग ज्यादा चार्ज किए थे, कितना के ऊपर? 150 के ऊपर, तो ये प्रपोर्शनेट 30 के ऊपर कितना? 600। क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हो गया। लॉस ऑन टोटल कितना आया? 18590। तो फिर लॉस कितना आ गया? 2390। जब कंसाइनी बनाएंगे तो हम लोग 9800 मांगेंगे, उसमें से जो एडवांस दिया था वो डिडक्ट हो जाएगा और ये सारे डिडक्ट हो जाएंगे। तो देख लो, क्लियर हुआ? ऑन इनवॉइस ऑन कॉस्ट दो ही होते हैं, एक होता है ऑन इनवॉइस, एक होता है ऑन कॉस्ट। देखो इसके पहले ऑन इनवॉइस था तो आप 2500, अगर 25 रहता तो 2500, और देखिए यहां पर ऑन कॉस्ट है तो हम लोगों ने जो यहां लिखा उसके साथ प्लस कर दिया। ये इसका ध्यान रखेंगे, अनसोल्ड का जब वैल्यूएशन करेंगे तो इधर में स्टॉक रिजर्व रखेंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। हो गया बात?